Assalamu alaikum class, can you hear me properly? Assalamu alaikum, can you hear me? Yes ma'am. Okay. मैंने अभी आप लोगों का एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक किया था. हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे हर क्वेश्चन के हवाले से, तो वो आप बारी बारी पूछ लीजिएगा. ठीक है? ओके. Let's talk about question number one. Determine molarity of each of the following. Molarity find out karni hai aapne in questions ke andar. Okay. Sabse first hai isme 147 gram phosphoric acid aapko given hai, and it is dissolved in a 1 liter of solution. Simply aap iske andar मोलैरिटी का फॉर्मूला इनपुट करेंगे. मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सिंस यू डू नॉट हैव नंबर ऑफ मोल्स, आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले में, विच इज मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है? ये काफी सिंपल सा इसका सोल्यूशन है और आपने इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर ली, विच इज 1.5 मोलर. इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम. ओके. द नेक्स्ट वन इज 0.427 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 300 ml सॉल्यूशन. अगेन ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है. जस्ट इसमें क्या डिफरेंस है कि आपको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो लीटर के बजाय ml में दिया हुआ है. आप उसको कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट 2000 और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है? 0.019 मोलर सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. एनी क्वेश्चंस इन दिस वन? नो मैम. ओके. टू किलोग्राम सोडियम क्लोराइड इन 15 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसके अंदर आपको मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो ग्राम्स के बजाय किलोग्राम में दिया हुआ है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट 2000 और देन इसको सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, और आपके पास आंसर आएगा 2.279 मोलर सॉल्यूशन. राइट? ओके. आगे मूव करें. यस मैम. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ सॉल्यूट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन. ओके. नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इसको आपने मोलैरिटी को जब आप लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मास ऑफ सॉल्यूट के लिए अलग से फॉर्मूला लगाया है, मतलब इसी फॉर्मूले में इन्होंने सब्स्टिट्यूशन की हुई है. लेकिन आपको जब एक दफा नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो आप मास ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स में आप नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. राइट? तो अगर आपको मास इन ग्राम फाइंड आउट करना है तो आप नंबर ऑफ मोल्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी मॉलिक्यूलर वेट से. जैसे यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 49.5. अगर आप डायरेक्टली 49.5 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा. ठीक है? तो राइट अप्रोच यही है कि मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करें मॉलिक्यूलर वेट से. ठीक है? जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ना मालूम हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाना ओके है, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप उसको सिंपली मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है मैम. ओके.
The next one is 500 ml of 5 molar sodium hydroxide. ये भी previous one की तरह है. Simply इसके अंदर ml की जगह आपको liter की जगह ml में दिया हुआ है volume. इसको आप convert करेंगे और इसमें भी आप same वही previous formula apply करेंगे. ठीक है? इसमें आपके पास answer आ रहा है 2.5 number of moles हैं और mass in gram है 100 gram. Okay? Yes. Yes, sir. There is about 1 gram calcium present in 1 liter of milk. What is the molarity of calcium in milk? जिस तरह से हमने practice numerical one में एक sodium chloride वाला numerical किया था, ये वाला बिल्कुल उसी की तरह है. तो mass of solute आपको 1 gram given है, volume of solution is 1 liter. आप इसको simply formula में place करेंगे, 0.025 molar calcium की molarity आपके पास आ गई. Okay? Yes. Okay, ये वाले जो numerical हैं, ये आपने से पहले नहीं किए थे, dilution वाले. What is the concentration of diluted solution when each of the following is diluted to given final volume? ठीक है, 10 ml of 4 normal solution of potassium hydroxide is diluted to a final volume of 250 ml. इसमें जो आपको given है, उसको आप एक तरफ रखेंगे और जो required है, उसको दूसरी तरफ रखेंगे. ठीक है, given आपको क्या है कि 10 ml आपने सॉल्यूशन लिया है फ्रॉम अ 4 नॉर्मल सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे आपने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से. कंसंट्रेशन आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम आपके पास फाइनल कितना आया है 250. सिंपल इसको आप मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड करेंगे. कंसंट्रेशन आपके पास आ गई 0.16 नॉर्मल. क्योंकि हमारी ये वाली कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी में थी, इस वजह से जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो भी नॉर्मेलिटी में. ठीक है, any questions? No ma'am. Okay. मैम, ये C1 की जगह हम N1 कर दें, N1 V1 N2 V2 एक ही बात है ना? जी बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन इस फॉर्मूले को जनरलाइज रखने के लिए हम यहाँ पे C1 का फॉर्म C लिख रहे हैं, क्योंकि C represents concentration in all units. या तो आप अगर आप N1 V1 लिख रहे हैं, तो जब आप molarity, जैसे next question में आप molarity से deal कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे N1 नहीं लिखेंगे, आप फिर वहाँ पे M1 और V1 लिखेंगे. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Next, maybe बिल्कुल same इसी तरह से solve किया हुआ है कि 0.5 multiplied by 2.3, which is the given concentration and volume of solution, और final volume आपके पास है 4 liter, और इसको एक solve करने के बाद सबका यही answer आ रहा है. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक. Okay. अच्छा, अब जो इसके अंदर next. Ma'am, मैं एक question है. जी जी. ये जो A part 4 का जो A part है ना, इसमें हमें ML में दिया हुआ है. अगर हम ML में ही कर देंगे तो 0.16 आएगा. लीटर में convert करते हैं तो answer change हो जाता है. इसमें लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, हमें डाइल्यूशन के प्रैक्टिकल इन वाले फॉर्मूला में सिर्फ इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो V1 और V2 है, दोनों के यूनिट सेम हो. तो दोनों 10 ml और 250 ml हैं, तो आंसर चेंज नहीं होगा. क्या आंसर आ रहा है आपका? फॉर एग्जांपल, अगर हमने 10 ml को चेंज कर दिया है लीटर में, तो 10 डिवाइड बाय 1000 आपके पास आ गया 0.01. ठीक है, और 250 डिवाइड बाय 1000 आपके पास आ गया 0.25. ठीक है, अगर अब आप इसको कैलकुलेट करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइड बाय 0.25, ठीक है, आपके पास अगेन 0.16 आंसर आ रहा है. ठीक है, सही है, सही है. नीड टू कन्वर्ट ml इनटू लीटर बिकॉज़ आपके दोनों यूनिट सेम है. अच्छा, थैंक यू मैम. वेलकम. नेक्स्ट लास्ट आपके पास इसमें जो क्वेश्चन है, दैट इज 22.5 ml ऑफ 3.5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर. अब इसके अंदर वॉल्यूम के यूनिट्स क्योंकि डिफरेंट हैं, तो इसमें आप इसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है,
आप एमएल को भी लीटर में चेंज कर सकते हैं और लीटर को भी एमएल में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे आपने एमएल को इसमें इन्होंने चेंज कर दिया है 22.5 डिवाइड बाय 1000 0.225 लीटर, और इसमें इन्होंने प्लेस किया 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.225 इज इक्वल टू सी टू मल्टीप्लाई बाय 1, और इससे कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली, क्योंकि सी वन आपकी मोलर थी तो आपकी सी टू भी मोलर ही आएगी। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, सबने इसी तरह से किया? यस मैम। ओके यस मैम, यस मैम वैसे किया। ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 3 ग्राम सोडियम क्लोराइड dissolved in 0.165 liter of water. The density of water is 1 gram per ml. Achha, ab yahan pe, kyunki molality ke formula mein aapko solvent ka bhi jo unit hai, wo aapka kilogram hona chahiye, theek hai? Aur yahan pe aapko jo given hai, wo liter given hai. Aur lekin inhone aapko volume to diya hua hai, lekin saath saath aapko water ki density bhi bata di hai. To agar aap isko dekhen, तो वाटर की डेंसिटी क्योंकि 1 ग्राम पर एम एल है, विच मीन्स कि वाटर का जो मास है और उसका वॉल्यूम है वो दोनों आपस में एक ही जैसे रेशो पे होते हैं, ठीक है? यानी कि अगर आपके पास 200 एम एल वाटर होगा तो वो 200 ग्राम उसका वेट होगा, या अगर आपके पास यहाँ पे 0.165 लीटर वाटर गिवन है तो उसका वेट कितना होगा, 0.165 किलोग्राम, ठीक है? क्लियर है ये कन्वर्जन? यस मैम। ओके अब आप इसको सिंपली फॉर्मूले में प्लेस करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। ओके अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखा है, आप मोलर मास के लिए या मॉलिक्यूलर वेट के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का वर्ड यूज ना करें, क्योंकि फिर उसे ग्राम इक्विवेलेंट के उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है? यहाँ पे आप मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, which gives you 3 divided by 58.5, आपके पास number of moles आ गए 0.05 moles, इसको आपने formula में place किया और आपके पास 0.3 molar solution answer आ गया, clear? Yes ma'am. Now, एक मिनट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 1.2 नॉर्मल सॉल्यूशन। अगेन आपको इसके अंदर क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी या डेंसिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई, तो आप इसको डायरेक्टली इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। रिक्वायर्ड नॉर्मैलिटी आपकी 1.2 है, मॉलिक्यूलर वेट 98 है, वॉल्यूम आपने कन्वर्ट कर लिया लीटर में 0.8, और H2SO4 क्योंकि 2 H प्रोड्यूस करता है तो डिवाइड बाय 2 होगा, 47.04 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। ओके यस मैम। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ सॉल्व किया है, आंसर ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? कैलकुलेट नॉर्मैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml सॉल्यूशन। अब इन्होंने क्या किया है कि नॉर्मैलिटी, पहले इन्होंने मोलैरिटी फाइंड आउट की है, देन उसको उसकी एसिडिटी से मल्टीप्लाई करके नॉर्मैलिटी फाइंड आउट की है, ठीक है? दैट इज ओके, इससे आंसर आपका सही आएगा, लेकिन आप सिंपली जो आपका ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ यूज किया है ना, अब इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नॉर्मैलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, मास इन ग्राम आपको गिवन है, यू नो द एसिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर वेट भी आपको मालूम है और आपको वॉल्यूम भी पता है, तो आप सिंपली मास को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एसिडिटी से विच इज 1, और डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से विच इज 40, और अगेन डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से विच इज 0.5, तो आपके पास
जो नॉर्मेलिटी आ जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की वो आएगी 0.025। ये जो सेम आपने क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर्मूला यूज किया है, इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके भी आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? आप लोगों ने 7 यूज करके किया या ये वाला इस तरह से किया? मैम जिस तरह इन्होंने किया हुआ इसी तरह किया है। मैम जैसे आपने बताया वैसे ही किया है। मोलैरिटी वाले तरीके से किया है। ओके लेकिन अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करते हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज राइट आंसर, लेकिन हर चीज को करने का एक सही तरीका होता है, एक थोड़ा सा मुश्किल तरीका होता है। तो द बेटर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि आप इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करें, जो अमाउंट का आपके पास ये वाला फॉर्मूला है ना, इसी को आप रीअरेंज करें और उसी के थ्रू आप नॉर्मेलिटी को सॉल्व कर लें। ठीक है? क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। अब किसी को कोई कंफ्यूजन इन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स के हवाले से? मैम हमने 7 वाले में डेंसिटी क्यों नहीं पुट की, लिक्विड था ना? मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था मैंने उसमें ये बात मैंने की थी कि अगर हम मिनरल एसिड्स की बात कर रहे हैं विच आर नॉर्मली इन लिक्विड फॉर्म, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें गिवन क्या है। हो सकता है हमें जो गिवन सल्फ्यूरिक एसिड हो वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल हो। ठीक है? तो हम पहले अपना गिवन डेटा देखेंगे। अगर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो उस वक्त हम देखेंगे कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं था और ना ही स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन थी आपको, और ना ही आपको उसकी परसेंटेज प्योरिटी के बारे में कुछ बताया गया था। सिंस इन्फॉर्मेशन वॉज इनकम्प्लीट इन द क्वेश्चन, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी आप उसी के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? जिस HCl के वाले मेथड से, क्योंकि मैंने उस वक्त भी जो पिछला इंटरेक्टिव सेशन लिया था उसमें मैंने ये चीज आप लोगों को बताई थी कि आप H2SO4 के मामले में क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी वेरीज अ लॉट, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जनरलाइज नहीं किया है इसको, हम इसी तरह से सॉल्व करें। यहाँ पे सिर्फ हमें ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत थी कि H2SO4 क्योंकि दो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी बेसिसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम थोड़ा सा बस ये इसको चेंज करने के लिए इसको मैंने इनपुट किया था। नॉर्मली मिनरल एसिड्स के लिए वी डू रिक्वायर द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड परसेंटेज प्योरिटी, क्योंकि नॉर्मली वो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है? तो वो जो HCl के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं आप वही यूज करोगे नॉर्मल प्रैक्टिस, लेकिन हमने जस्ट यहाँ पे थ्योरेटिकली चीजों को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे दिस इज इनफ। ठीक है? मैम परसेंट प्योरिटी और डेंसिटी आप देंगी? यस, अगर मुझे आपको HCl फॉर एग्जाम्पल HCl का मैंने आपसे पूछा है या इवन H2SO4 में भी दे सकती हूँ, अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, इन दैट केस आपको अमाउंट का वही वाला फॉर्मूला लगाना होगा जिसमें परसेंटेज प्योरिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज होती है। ठीक है? और ये कब होगा? जब सॉल्यूट आपका लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है? यस मैम। अच्छा, अब ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली खत्म हो गया, हमने ऑलरेडी न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लिया है बफर का। आई होप इसमें फर्दर किसी को कोई कंफ्यूजन्स नहीं है। मैम स्टार्टिंग के 3 न्यूमेरिकल्स के आंसर्स बता दीजिए प्लीज, कंफर्म करने। ओके, जो फर्स्ट वन आंसर 1A का आंसर है 1.5, 1B का आंसर है 0.019 मोलर और 1C का आंसर है 2.279 मोलर। थैंक यू। ये वाला अगर आप कहें तो जो होमवर्क मैंने भी चेक किया है इसको मैं आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देती हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है? प्लीज अगर आप खुद कॉपी करते हैं तो आप अपना खुद नुकसान करेंगे, आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप खुद अभी तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि 3 लेक्चर में आपको ऑलरेडी 3 तरह के न्यूमेरिकल्स मिल चुके हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल के साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको खुद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस कोर्स की प्रिपरेशन फाइनल एग्जाम के लिए करने में। तो मैं ये अपलोड कर देती हूँ जस्ट फॉर अ रेफरेंस, लेकिन प्लीज इसको कॉपी मत कीजिएगा। इसमें जो मैंने करेक्शन बताई है उन करेक्शन को करके ही अपने LMS पे अपलोड कीजिएगा। LMS अब सबके पास एक्सेसिबल है? यस मैम, बट कुछ असाइनमेंट्स में उसके सबमिशन पॉसिबल नहीं हो रहे।
मेरे असाइनमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी मैम, मैम वो फाइल टू लॉन्ग बता रहे हैं। ओके, 5 MB मैंने फाइल की लिमिट रखी थी, उससे ज्यादा हैवी फाइल है। मैं उसकी लिमिट बढ़ा देती हूँ, उसकी लिमिट बढ़ा देती हूँ, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके, यू आर वेलकम। तो इस क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं हम। और एक चीज और, मंडे को आप लोगों का जो 1 बजे वाला टाइम है वो अभी तक आप लोगों का फ्री है, ट्यूटोरियल आप लोगों का है। तो होपफुली अब जो मैं नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन लूंगी मैं आपका मंडे को लूंगी, ठीक है? 1 बजे। ओके मैम। ठीक है मैम। ओके मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।